आज हम बटन होल फुट से कपड़े पर मशीन से बटन लगाना और बटन का काज बनाना सीखेंगे दोस्तों। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा कपड़ा एक बटन पट्टी की तरह है और इस पर इस जगह पर हमें बटन लगाना है और यहाँ देखिए अब इस जगह पर हमें काज बनाना है। तो जहाँ पर हमें बटन लगाना है वहाँ पर मैं एक सेंटर पे निशान लगा लूँगी और जहाँ बटन होल बनाना है यानी कि उसके लिए काज बनाना है वहाँ पर भी एक निशान बना लूँगी। अब इस निशान के सेंटर पे बटन रखते हुए मैं दोनों तरफ एक एक पॉइंट लगा लूँगी और इधर बटन होल की जगह यानी कि काज बनाने की जगह भी बटन को सेंटर पे रखते हुए मैं इधर और उधर दोनों तरफ एक निशान लगा लूँगी। अब ऐसे हमारे तीन निशान इधर और तीन निशान इधर तैयार हो जाएंगे। अब हम बटन होल फुट को लगाएंगे। तो सिंपल फुट को निकाल लेते हैं। बटन होल फुट को इसकी मार्किंग वाले पोर्शन को लेफ़्ट साइड में रखते हुए प्लास्टिक वाले पोर्शन को बिल्कुल आगे कर देंगे और अब इस होल को मशीन में बने इस होल के ऊपर सीधा रखेंगे। देखिए ये होल जो कैची से मैं दिखा रही हूँ इसको इस वाले होल के ऊपर सीधा रखेंगे और फिर रखने के बाद हम क्लिप को नीचे दबा देंगे। ये देखिए क्लिप को नीचे दबा दिया और बटन होल फुट लग गया मेरा। अब मशीन में बटन होल बनाने के लिए स्पेशल मार्किंग दी होती है तो उसका एक नंबर मैं इधर से सेलेक्ट कर लूँगी और टांके की लेंथ को 0 से 1 नंबर पर रखूँगी, 0 से 1 नंबर के बीच। अब देखिए कपड़े को यहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें बटन होल बनाना है। पहले हम काज बना रहे हैं तो इसकी लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारी जो तीनों मार्क हैं वो इसकी लेंथ के अंदर आ जाए। देखिए यहाँ पर पहला मार्क है और ये नीचे की ये पहला मेरा मार्क होगा यहाँ पर और नीचे की तरफ यहाँ पर मेरा लास्ट वाला मार्क होगा। तो इसी के बीच में हमारा बटन होल यानी कि काज बनेगा। तो अब देखिए मैं पहले सुई को अंदर ले लूँगी हाथ से चलाकर और फिर हम मशीन से इसको चलाएंगे तो ये हमारा मशीन वहाँ तक आते आते अपने आप रुक जाएगी। अब हम इसको 2 नंबर पे सेलेक्ट कर लेंगे और 2 नंबर पर हमें खुद से ही 4-5 टांके लगाकर मशीन को रोक देना होगा। देखिए मैंने ये 4-5 टांके लेकर और मशीन को रोक दिया। अब मैं इसे 3 नंबर पे सेलेक्ट कर लूँगी और लेंथ हमारी 0 से 1 ही रहेगी, उसे चेंज नहीं करना है। तो 3 नंबर पर हम जब सिलाई करेंगे तो मशीन उल्टी चलेगी और ये वापस हमें वहाँ तक लाकर रोक देनी है खुद ही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बटन होल बनाना। अगर हम रोकेंगे नहीं तो मशीन चलती जाएगी, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक हमें होल बनाना शुरू किया था वहाँ पर रोक देना है। अब 4 नंबर पे सेलेक्ट करके फिर से 2-3 टांके ले लूँगी। 4 और 2 नंबर एक ही होता है और देखिए इस तरह से हमारा बटन होल तैयार हो जाएगा। अब हम बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए हमें डॉग फीड यानी कि दांते अंदर नीचे करने होते हैं तो इस तरह से यहाँ पर एक क्लिप दी होती है उसे राइट साइड में घुमाकर हम डॉग फीड को नीचे कर देंगे, दांतों को नीचे कर देंगे जिससे हमारा कपड़ा वहाँ से सरकेगा नहीं पीछे की तरफ। और देखिए बटन लगाने के लिए अब मैं बटन को इसके नीचे ले जाऊँगी। ये देखिए ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब हम सिलाई को सेलेक्ट करेंगे सी पर, जिगजैग वाली जो सी नंबर की सिलाई होती है, और लेंथ को आप कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसे सुई को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो हमारे बटन के एक होल में जाए और फिर जब वापस हम उसे गिराएं तो दूसरे होल में जाए। देखिए मेरी सुई इस तरह से एडजस्ट हो गई है, मैंने हाथ से धीरे से करके बैलेंस व्हील को घुमाकर ये देख लिया है। तो अब मैं इस मशीन को चलाकर अच्छे से इसमें 4-5 टांके खूब अच्छे से ले लूँगी। पहले हमें हाथ से एडजस्ट करना है कि मशीन की सुई हो बटन के होल के अंदर ही जाकर गिरे, ये इंश्योर कर लेना है। और अब हम इसे क्लिप को थोड़ा सा आगे सरका कर बटन के दूसरे होल आगे वाले होल के ऊपर ले लेंगे और फिर हाथ से इसको एडजस्ट करेंगे। पहले कंफर्म करेंगे कि मशीन की सुई बटन के होल के अंदर ही जानी चाहिए और फिर मशीन चलाकर उसमें 4-5 टांके ले लेंगे। इस तरह से हमारा बटन लग जाएगा। अब हम इसे काज को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए ये एक क्लिप एक ओपनर दिया होता है, इससे बीच की ये कपड़े को हम इस तरह से काट देंगे जहाँ पर हमने काज बनाया है दोनों
सिलाइयों के बीच के हिस्से को कपड़े से को हम काट देंगे और हमारा काज ये तैयार हो गया। हमारा बटन भी लग गया और काज भी लग गया। दोस्तों बटन होल फुट को यूज़ करना कितना आसान है ये तो हमने देख लिया। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे काज बनाते समय लेंथ को डिसाइड करके रखना है और जब 3 नंबर पर आ जाते हैं तो वापस आकर हमें उस जगह पर खुद ही रुकना होता है जहाँ से हमने काज बनाना स्टार्ट किया था। और बटन लगाते समय भी हमें पहले कन्फर्म कर लेना है कि हमारी सुई बटन के होल के नीचे ही गिर रही है, तब हम फुट कंट्रोल से मशीन चलाना शुरू